सहसपुर विधानसभा के भाऊवाला ग्राम सभा के सैनिक कॉलोनी में पिछले कई दिनों से पीने के पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। उनकी समस्या ना तो किसी जनप्रतिनिधि को दिखाई दे रही है और ना ही किसी प्रशासनिक अधिकारी समस्या को गंभीरता से ले रहे हैं। जब एमकेएन न्यूज़ के रिपोर्टर ग्राम सभा में पहुंचे तो सैनिक कॉलोनी के वासियों ने अपनी भी प्रतिक्रिया बतानी शुरू कर दी। पूर्व सैनिक सूरत सिंह राणा ने बताया कि हम कई दिनों से पानी की समस्या को संबंधित विभाग प्रधान और प्रतिनिधियों को बता रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी समस्या का समाधान नहीं किया गया है। पूर्व सैनिक ने कहा कि पाइप के माध्यम से दूषित पानी के लिए हम मजबूर हैं। ऐसे में अगर इस कॉलोनी में किसी प्रकार की कोई महामारी फैलती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? विकास नगर से जैसे विश्व की रिपोर्ट। समस्या ये है साहब कि यहाँ सबसे बड़ी पानी की समस्या है और पानी की समस्या तकरीबन मुझे यहाँ पे जो है कि 8 साल हो गए रहते हुए और हर बार यही होता है कि पानी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पानी जो है मात्र 1 घंटा खुलता है 2 दिन के बाद। पानी की किल्लत तो भैया लगभग 8 से 10 साल हो गए, बहुत ज़्यादा आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, लाइनें पुरानी हैं तो उसकी वजह से चली रही है। उसके लिए अभी नई जल जीवन मिशन में योजना चल रही है तो उसका काम लगभग 70% हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो ब्रांच लाइनें हैं वो डल गई, अब उसके बाद कनेक्टिंग होनी बाकी है।